Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सपनों की वो रातें संग कटने लगी। मैंने पूछा शहजादी करोगी क्या शादी, तो धीमे से हंसने लगी। वो है हंसी दिल नशी सरिता, ये फ्लैट कैसा है? अच्छा, किसका है? मेरे एक दोस्त का है, 2 साल के लिए अमेरिका गया है। अच्छा। सरिता, मैं इस मकान को घर बनाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो कैसे? मुझसे शादी करके। करोगी ना? तुम्हारे डैडी मान गए? नहीं, डैडी तो नहीं माने। उनकी पसंद की लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता, और मेरी पसंद की लड़की को वो अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं। वजह? ऊंचा खानदान, ढेर सारी दौलत, शान और शौकत, लाखों का जहेज और क्या। बहुत ज्यादा पैसे वाले हो क्या तुम लोग? देखो, प्यार करने वाले पैसों की बात नहीं किया करते, और जो पैसों की बात करते हैं वो सिर्फ बात कर सकते हैं, प्यार नहीं।
अच्छा बाबा, घर बना तो लेंगे, चलेगा कैसे? क्यों, मैं काम करूंगा। काम करेंगे, पहले पढ़ाई तो खत्म कर लो, कुछ ही महीनों की तो बात है। देखो, बात तो सिर्फ बात की होती है, हा? और मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात है, तुम, मैं और एक छोटा सा प्यार भरा घर हमारा। I'm so happy. छोड़ो। ओह मेहता जी, आइए आइए। बोलो सेठ, फ्लैट बरोबर पसंद पड़ा? जी हाँ, पसंद तो इन्हें करवाना था। ये आपका मेम साहब? जी हाँ, होने वाली। नमस्ते, नमस्ते। सरिता, ये मेहता जी हैं, मेरे जिस दोस्त का फ्लैट है उसके सब मकानों का किराया वसूल करते हैं। लगता है हम फोकट में आप लोग का टाइम खोटी करता है, सो हम चलें। आप फ्लैट की चाबी अपने पास रखो। नमस्ते। नमस्ते। अब छोटा सा घर है, बीवी है, शौहर है, जिंदगी लगती है भली। वो है हसी दिल नशी और हम है जवा, है जवा। हे हे वाह 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 वाह। ले डिकरा, you can keep the change. Thank you. आपके फूल। Oh. ये लीजिए। मम्मा, ये फूल हैं किसके लिए? अरे, आपने क्लब नो सेक्रेटरी छे नहीं? मिस्टर दारूवाला, उसका डॉगी का आज बर्थडे है, उसके लिए। ओह, मिस्टर दारूवाला के कुत्ते के लिए? हाँ। ये आपकी तरफ से है? हमारा कुत्ता की तरफ से। From my doggy to his doggy, with best wishes. Happy birthday to you. हाँ? I mean to your friend, to your friend's dog. Thank you, डिकरा. अरे कहीं नहीं डिकरा। अरे मरे रे, कोई भी दारो मरी आखी लाइफ में और वो हैंडसम टैक्सी ड्राइवर तो मैंने मालियो छाती है। थैंक यू। थैंक यू भैया। अरे साकर, आप कैसे हैं भैया? अच्छा हूँ। कहाँ हो तुम? आओ चलो मेरे साथ। चलिए। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पता है तुम्हें? टूर से लौटने पर पता चला कि तुमने शादी कर ली है और घर छोड़ दिया है। किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। लोगों को टेलीफोन किए, मैं खुद गया। कॉलेज गया तो पता चला कॉलेज छोड़ चुके हो। पढ़ाई बंद कर दी क्या? भैया मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी? जी हाँ। कोई और काम नहीं कर सकते थे? अपनी मर्जी का काम है भैया, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सागर, इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने को बुरा नहीं, लेकिन उसका भी अपना एक तरीका होता है। तुम अलग रहना चाहते हो? जरूर रहो, मैं तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा सकता हूँ, और उसकी भी कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती, तुम अपना खर्चा मुझसे ले सकते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। जरूर करो, लेकिन उसका वक्त तो आने दो। अच्छा खैर छोड़ो उन बातों को, ये बताओ रहते कहाँ हो? एक दोस्त का फ्लैट मिला है। तुम दोनों खुश तो हो ना? बहुत गुड, चलो अच्छा है। ऐसा करो कल बहू को लेकर घर आ जाओ, खाना वहीं खाएंगे। भैया मगर डैडी,
तेरी आजकल बाहर क्या हुआ है? सो तुम दोनों कल जरूर आ रहे हो हुँ? सॉरी डार्लिंग। छोड़ो ना, छोड़ो ना बाबा, ऐसे भी क्या बेसब्री है? इस सब के लिए बहुत वक्त है। कहाँ वक्त है, सारा दिन तो बीत गया है। तो फिर इतनी देर से क्यों आए? अरे मेरा बस चलता तो मैं जाता ही नहीं। तुम माल गिनो, मैं नहा लेता हूँ। टिप मिली थी टिप। अरे सरिता सुनो। हाँ जी। आज भैया मिले थे। कौन? सूरज भैया? हाँ। क्या कह रहे थे? हमें घर पे बुलाया। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन वो हमें जरूर बुलाएंगे। कोई खास बात है क्या? यूं ही खाने पे। खाने पे चलोगे ना? नहीं। क्यों, डैडी से डर लगता है? डैडी तो बंबई में है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? बस यूं ही, मेरा दिल नहीं करता। सागर, अच्छा ये तो बताओ भैया से क्या बात हुई तुम्हारी? कोई खास बात नहीं, मेरी मदद करना चाहते थे। अच्छा फिर? मैंने इनकार कर दिया, फिर कहने लगे अपनी बीवी को घर तो लाओ, वहीं खाना खाना। सागर, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूं? इसमें बुरा ही क्या है? मुझ में कोई कमी है? मैं बदसूरत हूँ, बदतमीज हूँ, या मुझे बात करना नहीं आता? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? सरिता ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुतों से बहुत अच्छी हो, और मेरे लिए तो सबसे अच्छी हो। तो फिर क्यों नहीं मिलवाते जब वो खुद मिलना चाहते हैं? मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह मिलेंगे ये मैं नहीं जानता। किस तरह क्या मतलब? अगर वो लोग तुमसे ठीक से ना मिले तो? ठीक से क्यों नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उनके घर की बहू। अब सोच क्या रहे हो, इसमें सोचने की बात ही नहीं है कुछ। मैंने कुछ गलत कहा? तुम चलना चाहती हो? ठीक है चलेंगे, बस अब खाना खाओ। अरे सागर। हाँ? सागर रोको। क्या हुआ? ये तुम कहाँ ले आए? जहाँ आना चाहिए था। लेकिन ये तो किसी राजा महाराजा का घर है। अजी ये आपके पति का मैका है, यानी कि आपका ससुराल। देखो सागर मजाक मत करो। देखिए अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो वापस मुड़ जाते हैं। अरे ये तुम्हारा घर है? मेरा नहीं, मेरे डैडी का। भैया ये सरिता है, और सरिता ये सूरज भैया है। हेलो, सॉरी तुम्हारी भाभी तो फ्लावर शो देखने गई हैं, पर आती होंगी। वैसे सागर एक बात है, तुम्हारे पसंद की दाद देनी पड़ती है। वैसे सरिता दाद तुम्हारी पसंद की भी देनी चाहिए, कि तुम सागर जैसे भाग्य आदमी के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो गई हो। लो भाभी आ गई तुम्हारी। तो अब तुम मेहमान हो गए हो, बुलाने पर ही आते हैं। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, भाभी ये सरिता है। तो तुम हो सरिता? भाई हम भी सोचा करते थे आखिर वो लड़की है कौन जिसके लिए हमारे सागर ने इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जायदाद सब छोड़ दी। सरिता तुम भी गौर से देखो, हमारी भाभी अब भी किसी से कम नहीं। ये सरिता से नहीं, अपने भाई से बोलो। अजी मैडम हम तो शुरू से माने बैठे हैं। सरिता यहाँ बैठोगे तो बोर हो जाओ, चलो अंदर चलो, अंदर चल के बातें। अच्छा ये क्या, नई नई शादी, हाथ और गला खाली, कुछ गहने तो पहनने ही चाहिए थे। जी बात यह है कि समझ गई, इस तरह शादी हो तो ऐसा ही होता है। सागर अगर बाप की मर्जी से शादी करता तो इस वक्त उसकी बीवी
सर से पैर तक गहनों में लदी होती। ठीक वैसे भी मुझे जेवर गहनों का शौक नहीं है। ओ, शौक पूरा न हो तो खत्म हो जाता है। भाभी जी, सागर का कमरा कौन सा है? देखोगी? जी आओ। यह है सागर का कमरा। सुना है घर चलाने के लिए सागर आजकल टैक्सी चलाता है? जी जी हाँ। वाह वाह, क्या तरक्की की। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सागर इतना पीछे आ गया है तुम्हारी वजह से। जी, मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, ना वो तुमसे शादी करता ना उसे ये दिन देखने पड़ते। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मेरे यकीन कीजिए भाभी जी, उनकी पोजीशन, हैसियत या खानदान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार किया, उन्हें चाहा। वो क्या है ये ना मैंने कभी जानने की कोशिश की और ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया। तुम समझती हो मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? तुमने सोचा सागर से शादी करके रुपया जायदाद सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम इस घर में रहने लगोगी। नतीजा ये हुआ, सागर को घर से निकाल दिया गया, रुपये जायदाद से उसे अलग कर दिया गया तुम्हारी वजह से। पैसों के बिना काम नहीं चलता, जब जिंदगी की जरूरतों का सामना करना पड़ेगा ना, प्यार व्यार सब धरा रह जाएगा, प्यार से पेट नहीं भरता। नींद आ रही है क्या? नहीं तो। सागर। क्या बात है? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जी क्यों? अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे घर न जाती। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा सुख, आराम, दौलत, शौहरत, क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? सब कुछ। सब कुछ मिला या छूट गया? जो नहीं चाहिए था वो छोड़ दिया और जो चाहा था वो मिल गया। मिला क्या? मुसीबतें? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने शराब में रहते हो? लाखों में खेलने की तुम्हें आदत है, सारा दिन मजदूरों की तरह काम करते हो। मैं अपने आप को एक गुनेगार की तरह महसूस कर रही हूँ। सरिता, जिसने किसी की खुशियां लूट ली हो। सरिता, रख छीन ली हो। सरिता तुम बिल्कुल पागल हो, ऐशो आराम खुशी नहीं और ना ही पैसा सुख चैन की पहचान है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी प्यार है। ये सब किताबी बातें हैं सागर, तुमने कहानियों में पढ़ी होगी। अमीर आदमी वक्त गुजारने के लिए कहानियां पढ़ते हैं और गरीब आदमी का वक्त एक कहानी बन जाता है। देखो सरिता, ना तुम गरीब हो और ना मैं अमीर हूं, अब हम सिर्फ मियां बीवी हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। मेरा क्या, एक मामूली लड़की जो कैसे भी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन तुम कहां से लाओगे तुम्हारे लिए वो सब कुछ, वो डांट बांट, वो शान जिसमें तुम्हें रहने की आदत है। सरिता मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। ये सब तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी से कम नहीं देख सकती। लो पानी पियो, पानी थोड़ा पानी पी लो। सरिता प्लीज, बस बस। हेलो बीबीबी। बीबीबी? यस, राइट बिजनेस ब्यूरो। ओह, देखिए आज के अखबार में मैंने आपका इश्तहार पढ़ा। थैंक यू वेरी मच मैम, वी आर एट योर सर्विस। हुक्म कीजिए। आप कोई ऐसी स्कीम बता सकते हैं जिसमें 4-5 हजार रुपए महीने की इनकम हो सके? श्योर श्योर, क्यों नहीं। कितना कैपिटल है आपका?
कैपिटल यानी कि पूंजी। कितने पैसे तक लगाने को तैयार हैं आप? कितना लगाना होगा? यही कम से कम 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख? ज्यादा लगाना चाहती हैं तो शौक से लगाइए। हमारी कंपनी ने बरसों की मेहनत के बाद दुनिया के तमाम बड़े बड़े बिजनेस ब्रेन और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय लेकर। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, चीकुमल झुंझुनवाला एंड कंपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, मैं स्टेट झुंझुनवाले जी से बात करना चाहती हूँ। चीकुमल झुंझुनवाला का मैं हूँ जी, बोलिए मैडम बोलिए। जी मैं इधर हिल गया था। आज के अखबार में आपने सेक्रेटरी के लिए एड्रेस किया है? जी दिया था दिया था। जी मैं उसी के लिए। देखिए एक लड़की और खूबसूरत लड़की की मुझे हर वक्त जरूरत रहती है। जी जी हाँ जी, हमें समझ गया, आप बुरा ना मानिएगा। दरअसल मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, उसके लिए मुझे लड़कियों की सख्त जरूरत रहती है। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक लड़की है, जब वो चली जाएगी ना तो मैं आपको बुला लूंगा, आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए। हम अभी जाता है, तुम हमको बोला था हमको फ्लैट लेके देगा, परमानेंट रखेगा। यू फूल रास्कल स्टूपिड पिग। सुबीर हेलो हेलो, देखिए वो जगह खाली हो गई, आप फौरन चली आइए, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। आइए आई नीड सेक्रेटरी, प्लीज प्लीज आ जाइए, फौरन आ जाइए। हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर जेम्स रेजिडेंस? देखिए मैं एक पढ़ी लिखी शरीफ घर की लड़की हूँ, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। आपको भी अपने बच्चों के लिए एक गवर्नेस चाहिए ना? यकीन मानिए मैं आपके बच्चों की बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखभाल करूँगी। प्लीज जस्ट गिव मी अ चांस। माफ कीजिएगा, आपने कुछ देर कर दी, हमने तो गवर्नेस रख ली। हेलो, गरबचन सिंह टैक्सी स्टैंड है? हाँ जी जरूर मिलेगा। कितने बजे? कहाँ? अच्छा हाँ जी हाँ, वो ट्रक टेम्पू हर मिलेगा बादशाह, तुझे फिक्र ना करो। अच्छा जी अच्छा, ओ बोल गामिया बोल। क्या बोलूं सेठ जी, आज भी 5 रुपए कमती हो गए, कल कैसे भी करके भर दूंगा। साला ऐसा पनौती लगा है कि आजकल धंधा होता ही नहीं। ओए धंधा तो टट्टू करना, खाँच पीन तेन कुछ मिलता नहीं, जान जिसम तेरी है नहीं, सिवाय बीवी की झिड़का तेन कुछ नहीं मिलता। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल बादशाह, और तुहानू वेख के यार मेरी तबीयत परेशान हो जाती है। क्या गबरू जवान है तू यार प्यारे। ए मेरा दोस्त रजनी भाई हैगा, तुसी शेयर से गल कर रहे हो ना, ए शेयर मार्केट दा टॉप क्लास ब्रोकर है। आओ बैठो महाराज बैठो, तशरीफ दा टोकरा रखो। ओ तुम भी आओ फटाफट, 3 चावां लिया स्पेशल नंबर दंदियां फटाफट। और रजनी भाई ये शेरों का क्या चक्कर है, ये मेरे को फटाफट समझा दो। कहते हैं कि रातों रात लखा रुपए बन जाते हैं, लखा रुपए। ओहो सरदार जी जरा अपनी स्पीड नु ब्रेक मारो, ए फटाफट दा काम फट भी हो सकता है। शहरा दा मामला है, एक चटके नाल लखा रुपए मिल सकते हैं और एक चटके नाल तुहाडा पार्टी आउट हो सकता है। तुसी बाल बच्चे वाले हो, जरा सोच समझ के गल करो। ओ सोच समझ दा सारा काम बाहू तेरे ते छड़ता है, जट्टा दा काम है खुद पे था, खुद पे या एस पासे या एस पासे। ये लड़की कौन है? मैंने कहा ये किस लड़की का कार्ड है? कौन लड़की? वही तुम्हारी रजनी देसाई, जिसका कार्ड तुम जेब में लिए फिर रहे हो। रजनी देसाई? अरे ये रजनी भाई देसाई का कार्ड है, कोई रजनी देवी नहीं। मेरा पुराना दोस्त है, मशहूर स्टॉक ब्रोकर है। लेकिन कार्ड में तो सिर्फ रजनी देसाई लिखा है। ओहो तुम्हारा भी जवाब नहीं, मैंने कह दिया ना कि आदमी है कोई औरत नहीं। अच्छा आज अचानक मिल गया था, कह रहा था शेयर्स का भाव बढ़ने वाला है, फायदा उठा लो। शेयर्स? इससे क्या फायदा हो सकता है? अरे बहुत फायदा हो सकता है, कभी कभी 10,000 लगाने से महीने भर में लाखों का फायदा हो सकता है। क्या सिर्फ 10,000 लगाने से लाख मिल सकते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ हो भी सकता, स्पेकुलेशन का धंधा है, एक किस्म का जुआ है। अच्छा चलो मैं नहा लेता हूँ। अरे इतने कम पैसे लगाकर इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसे कमाने का इतना धांसू आइडिया तो मुझे मालूम ही नहीं था।
दादा सुनो, हम भी शेयर ले लेते हैं, हम भी शेयर ले लेते हैं। बंद करो, बंद करो। सागर, शेयर्स का आइडिया बुरा नहीं है, जरा सोचो। कुछ सोचा तुमने? क्या सोचा है, किसके बारे में? शेयर्स के बारे में। ओहो, तुम पर तो जैसे शेयर्स का भूत सवार हो गया, और कोई बातें नहीं कर रही हो आज। सागर देखो ना, अगर सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर कई लाख रुपए मिल जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? नहीं नहीं, जरा सोचो। देखो मैंने सब सोच लिया है, अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ। लो, अब बुरा मान गई। तुमसे किसने कहा कि मिल ही जाएंगे? मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ये तो जुआ है, इसका क्या भरोसा? भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं है, फिर भी हम जीते हैं ना। लेकिन हमारे पास इतने सारे रुपए हैं कहाँ लगाने के लिए? मैं अंकल से ले लूंगी। अंकल? कौन अंकल? अरे बाबा, एक ही तो अंकल है मेरे, तुम उनसे नहीं मिले हो, मैं उनसे मांगूंगी, वो मुझे जरूर दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, देखेंगे। अरे सागर, ए मेरे शोभा, मेरे शोभा। हेलो। हेलो अंकल, मैं सरिता बोल रही हूँ, हाउ आर यू? ठीक हूँ। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? अभी तो ठीक था, तुम्हारी आवाज सुनकर हाई होने लगा है। अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं आप। अभी आपका पांव का दर्द कैसा है? पैर का तो ठीक है, मगर सर में शुरू हो गया है तुम्हारी बातों से। आंटी जी कैसी हैं? आंटी अच्छी है, बच्चे खुश है, नौकर ठीक काम कर रहे हैं, ड्राइवर वक्त पर आता है, गाड़ी ठीक चल रही है, चौकीदार पहरा देता है, मालिक घास काटता है, बिल्ली दूध पीती है, कुत्ते भौंकते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट द हेल डू यू वांट? पार्ट पर आओ। कमाल है अंकल, आप तो बिल्कुल मिल्ट्री टोन में बात कर रहे हैं, एकदम कट टू कट। डोंट वेस्ट माई टाइम, मतलब की बात करो, नहीं तो मैं फोन रख देता हूँ। आई एम बिजी। अंकल मुझे मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? बहुत जरूरी काम है। 10,000 कभी देखे हैं, कितने होते हैं? मैंने डैडी को आपको देते हुए देखा है, उनकी बीमारी के दिनों में, मेरे लिए। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्च हुआ, और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसमें कुछ नहीं लगा? अंकल मैं हिसाब नहीं मांग रही हूँ, मुझे बहुत जरूरत है, उधार समझ के दे दीजिए, मैं वापस दे दूंगी। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकता। अंकल अंकल ऐसे मत कहिए, मैं किससे मांगूंगी? मैंने प्रॉमिस किया है, आप तो मेरे डैडी की जगह है, मैं कहाँ जाऊंगी? शट अप, गो टू हेल। हेलो हेलो, डाला भाई? भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तुम मुझे दे सकती हो? क्या बोला तुम? 10,000 रुपया रोकड़ा? हाय राम, सिर्फ 10,000 रुपए भाई, किसी से उधार दिला दो ना। डरने की कोई बात नहीं, मैं एक महीने के अंदर लौटा दूंगी, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा भाई, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। देखो भाई, मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ ना, कर दो ना भाई, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बोलो तो अपने आंख का टुकड़ा काट के तुमको दे दूं। अरे एक टाइम खाना तुम देती हो, दूसरे टाइम को दूसरे के घर खाती हो। बाय, देखो तुम रोने नहीं, अच्छा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ, बस करो बाबा। क्या मुसीबत है? अरे सरिता तुम? जी मैं आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? भाभी जी मुझे मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ओ तो सागर को रुपए की वैल्यू मालूम हो गई, खुद आते शर्म आती, तुम्हें भेजा है। जी नहीं ये बात नहीं, उन्हें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो रुपया तुम्हें चाहिए? जी हाँ, आप दे देंगे ना, मैं एक महीने में लौटा दूंगी। भूल जाओ, मैं तुम्हें कोई रुपया नहीं दे सकती। भाभी जी प्लीज आप। देखो सरिता, और अगर तुम्हें रुपया ही लेने आना है तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेहता जी
जरा दो मिनट के लिए अंदर आइए। बांदा नहीं अभी आएगा। बोलो बहन। मेहता जी आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ तो बोलो नहीं बहन, काम बोलो नहीं। मेहता जी बात यह है कि। क्या बात है बहन, आज तुम बहुत उदास दिखता है। नहीं ऐसे नहीं, कोई तो कारण होएगा जरूर। तुम तो हमारी बेटी के माफिक है, बिंदास बोलो नहीं। मेहता जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए उधार, सिर्फ एक महीने के लिए, बहुत जरूरी काम है। 10,000? मैं लौटा दूंगी। वो हम जानता है बेन, बांदा नहीं सागर भाई के नाम पे कोई भी देगा। नहीं नहीं उनका नाम नहीं आना चाहिए, उन्हें तो मालूम भी नहीं होना चाहिए। पन फिर तो मुश्किल है बेन, अपन तो गरीब आदमी, अपन के पास पैसा किधर। मेहता जी मेहरबानी करके किसी से दिलवा दीजिए, बहुत बड़ा काम बन जाएगा हमारा। आप उनको कौन देगा बेन, आजकल मनी मार्केट बहुत टाइट है। कुछ भी कीजिए मेहता जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बेन तुम बार बार मेहरबानी मेहरबानी करके फोकट में शर्मिंदगी काय को करता हूँ। पैसा हाँ हुंडी पे मिलेगा, पर ब्याज भरी पड़ेगा। मैं भर दूंगी। ब्याज तो तुम भरेगा, पर एक बात बोलेगा मैं, बुरा नहीं मानना हाँ, पैसा भी बरोबर टाइम पे भरना मांगता। ये जो पैसा वाला लोग है ना, पैसा जो ब्याज पे देता है बहुत सख्त एकदम कड़ा खिटखिटी, पैसा जो बरोबर टाइम पे नहीं भरेगा तो भारी लफड़ा करेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। मेहता जी पैसे मिल तो जाएंगे ना। ट्राई करेगा, मनी मार्केट बहुत टाइट है, पर अपन भी मार्केट का बहुत जूना आदमी है, हजारीमल सेठ से बात करेगा। पैसा भी कितना डिफिकल्ट चीज है ना बड़ी, पैसा हम तुमको देता है। मेहता हमारा पुराना आदमी है, उसका जबान हम गारंटी मानता है, लेकिन हमारा टाइम का ख्याल रखना, पैसा बराबर टाइम पर मिलना मांगता है। एक महीने के मतलब एक महीना, एक दिन भी इधर नहीं और एक दिन भी उधर नहीं, समझ गया? नहीं तुम फिकर काय को करता है सेठ, हम जो बैठा है पैसा बरोबर टाइम पे मिलेगा। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। सेवा राम, 10,000 की हुंडी सही कराओ। नहीं इधर अपना सही करो, नहीं इसका बाजू में अपना घर का पता भी लिखो। नहीं आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर है? 544985। गिन लो। नहीं ठीक है, पैसा लेते टाइम गिन लेना चाहिए और देते टाइम भी, समझ गए? नहीं जी। अच्छा सेठ अब चलेगा, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा आओ चले।
हाय डार्लिंग, अरे वाह, आज मैं बहुत थक गया हूँ। एक ऐसा पैसेंजर मिला कि पूछो मत, सारा दिन दौड़ाता रहा, खाना भी नहीं खाने दिया, भांडुप जाके छोड़ा। टैक्सी चलाना भी आसान काम नहीं है। तुम्हें तो किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर हुकुम चलाना चाहिए, ये टैक्सी वैक्सी चलाना तुम्हारा काम नहीं। काम वो अच्छा है जिसमें दाम मिले, दाम मिल रहा है, काम चल रहा है, तब फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जाओ जाके शेव करो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ। ओ ब्लेड खत्म हो गए। मैं ले आई हूँ। नहाने का साबुन भी तो नहीं है? साबुन रख दिया है, शैम्पू धर दिया है, पानी भर दिया है, टॉवल रख दिया है, अब जाओ ना। क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें भूख लगी होगी? भूख तो लगी है। फिर तुम पास आ जाओ, भूख दूर हो जाएगी। सागर फिर वही बात, जाओ जाके नहा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, खाना तैयार है, तुम नहा लो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उठो बाबा, उठो ना। मैं जाता हूँ बाबा, तुम्हें तो किसी हॉस्टल की वार्डन होना चाहिए था। सरिता, क्या है ये सब? क्या चक्कर है? सारी दुनिया इसी के चक्कर में है, नोट है असली 10,000 के। ये कहां से आए? मैं लाई हूं, अंकल के पास से, शेज के लिए। शेज? हाँ हाँ शेज, तुमने तो कहा था कल रात को, भूल गए क्या? माय गॉड यू आर क्रेजी, मैंने थोड़ी कहा था कि अंकल से पैसे लाओ, और वो भी शेज जैसे रिस्की काम में लगाने को। जाओ ये पैसे फौरन वापस कर दो। वापस कर दूं? क्या बात है, इसमें मुश्किल क्या है? सरिता मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि यह किस्म का जुआ है, अगर पैसे मिल सकते हैं तो सबके सब जा भी सकते हैं। सरिता तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर ये पैसे चले गए तो हम कहां से लौटाएंगे? सरिता क्या जो मैं कमाता हूं तुम उसमें खुश नहीं हो? सवाल मेरी खुशी का नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, आखिर जरूरत क्या है? शेयर्स ले लो, लाखों मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर किस लिए? सागर मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए छोड़ दिया है वो सब तुम्हें वापस मिल जाए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें सुखी देख सकूं? सरिता ये बात नहीं है, तुम जरा सोचो, ये भी कोई तरीका है पैसे कमाने का? अगर शेयर्स में फायदा हो सकता है तो नुकसान भी? नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आखिर क्या होगा? कोई जहाज डूब जाएगा या बिल्डिंग गिर पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? और अगर पैसे चले भी गए तो क्या तुम कमा नहीं सकते, हम लौटा नहीं सकते? ये बात नहीं है। तो फिर क्यों डरते हो? डरता कौन है? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है कि हम शेयर्स ले लें तो ले लेते हैं बस। हाँ ठीक है, बराबर है, हाँ आपके शेयर्स हम खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, आप भीगू भाई से बात कीजिए। भीगू भाई? ओ आओ आओ सागर भाई, कहो क्या समाचार है? सब ठीक है रजनी भाई, आप सुनाइए, आपके शेयर मार्केट की क्या पोजीशन है? भाई बहुत गर्म है, अभी लगाओगे तो मार नहीं खाओगे, मैं अभी भी कहता हूँ शेयर्स खरीद डालो, बहुत माल कमाओगे। गरम नरम तो बस चाल है। ऐसा तुम भी क्या याद रखोगे, अपने लिए भी ले लो 10,000 के शेयर। अरे ये हुई ना बात, अब जाओ मजा करो, बाकी हम पर छोड़ दो। सुनो सुनो ना, बोलो सागर, अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? तो फिर बोलो क्या चाहिए, बाबा या बेबी? ओफो, मैं तो पैसों की बात कर रही थी। कैसे पैसे? सागर जब हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे ना तो हम क्या क्या करेंगे? देखो आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम सोच लो, कल सुबह मुझे बता देना। नहीं सागर पहले सुनो, मैंने क्या क्या सोचा है। अच्छा बोलो। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा आनाड़ी हो।
सरिता भाई है जी, बोल रही हूँ, आप कौन? हजारीमल, कल आपका पैसा भरने का तारीख होता है नी? जी कल? अरे बड़ी महीना पूरा होता है नी, कल हमारा पैसा मांगता है। हम अपने ऑफिस में बैठा है नी। हेलो जी, सागर साहब तो घर में नहीं है, आप कौन बोल रहे? कौन? रजनी भाई नमस्ते, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। कोई जरूरी काम है क्या? शेष के पैसे मिल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज बता दीजिए ना, शेष के पैसे मिल गए? अरे मैं उनकी बीवी हूँ रजनी भाई, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते,
एक ही बात है रजनी भाई। अच्छा जैसे आपकी मर्जी जी। कल क्यों, मैं आज ही उन्हें आपके पास भेज देती हूँ। सागर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे शेयर्स का भाव बुरी तरह गिर रहा है, 3 दिन से डेली भाव डाउन हो रहा है। फिर क्या करेगा, गया 10 बरस में हमारा विचार कभी फेल नहीं हुआ, भाव इतना जास्ती कभी नहीं गिरा, नसीब का बात है। तो क्या करना चाहिए? हौसला रखने का है और क्या, अभी बेचेगा भी तो 1/4 दाम नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमको लगता है भाव जब भी बढ़ेगा तो जबरदस्त बढ़ेगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ। रजनी भाई तुम्हारी बात समझ में नहीं आवेली। केम ए भाई जो हमला गया है ना शेर ना भाव तो ऊपर गया छे, एने कमाल छे, तुम्हें कहो छो कि नुकसान में छे, कमाल छे। भीख भाई बात एम छे, बड़े घर का छोकरा है, मेरा पुराना दोस्त है, थोड़ा सा पैसा चले गया तो क्या हुआ, भाव तेजी में है, कमायला माल वापस लगा दे, और अगर आ गया तो ताबड़तोब लाखोंपति हो जाएगा, समझे? रजनी भाई से मिले, शेयर्स के पैसे मिल गए? पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दो, शेयर्स का भाव बहुत गिर गया है, जो लगाए थे वो भी गए समझो। अब तुम्हें क्या हो गया है? सरिता मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था कि शेयर्स के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं मानी, अब मुसीबत खड़ी होगी ना आकर। चलो अब परेशान मत हो, मैं अंकल से बात करके उन्हें समझा दूंगा। अंकल, अंकल से बात करने की क्या जरूरत है? क्यों उन्हें पैसे वापस नहीं करने? सरिता अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने अंकल को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, मैं सब संभालूंगी, तुम जाके मुंह हाथ धो लो जाओ। लेकिन बात कर लेना। हाँ। ऐसा नहीं लाया, ऐसा कैसा चलेगा, आज तुम्हारा पैसा भरने का तारीख है नहीं, पैसा भरना पड़ेगा। पैसे अभी मिले नहीं, मिलते दे जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं चलता है, डेट का मतलब डेट होता है, व्यवहार का बात है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। देखो हम पैसा देना जानता है तो उसूल भी करना जानता है, बोलो अभी क्या करने का, तुम सीधा सीधा पैसा देता है कि हम कोर्ट में जावे? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे मैं आपको दे जाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे वो तो आपको पहले करना चाहिए नहीं, पैसा लेते टाइम उसको लौटाने का फिक्र करना चाहिए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम ईमानदार लोग हैं। अरे पैसा देने वाला तो ईमानदार उसको समझता है जो डेट पर पैसा लौटाता है, हमको तो पहले ही शक था, मेहता ने हमको फंसा दिया नहीं। देखिए मैं आपको ज्यादा ब्याज देने को तैयार हूँ आप। अरे तुम ज्यादा का बात करता, ब्याज का बात करता, यहाँ तो मुद्दल खतरे में है। देखो हम तुमको शाम तक का टाइम देता है, तुम सीधा सीधा पैसा लेके आओ, अगर नहीं लाया पीछे हमको कुछ नहीं बोलना, समझ गया नहीं? अरे भाभी कैसी हो तुम? अरे सागर तुम कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। सागर तुम्हें रुपए की अभी भी जरूरत है क्या? क्यों? तुम्हारी बीवी आई थी, मुझसे 10,000 रुपया मांग रही थी। कौन, सरिता? हाँ मैं तो दे ना सकी। सागर अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है तो तुम डैडी या अपने बड़े भाई से क्यों नहीं मांग लेते? सरिता को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं चलता हूँ भाभी। सागर कभी कभी घर आ जाया करो। सरिता कहाँ हो तुम? सरिता सरिता क्या करता है? सरिता भाई है? जी नहीं। अरे क्या बात करता है, किधर काम करता होगा, उसको टेलीफोन में बुलाओ। नहीं नहीं वो घर पे नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सेठ हजारी मल बोल रहा हूँ, वो हमको टाइम दिया था, तुम उसको टेलीफोन में लाओ। नहीं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो घर पे नहीं है, क्या काम है उनसे, मैं उनका पति बोल रहा हूँ मुझे बताइए। अरे पति हो गया तो क्या हो गया, कोई सेनापति तो नहीं हो गया, इतना रुबाब से काय को बात करता है, वो हमको टाइम दिया था आया नहीं, 1 घंटे से हम उसको टेलीफोन करता है, उसको बुलाओ। किस लिए फोन करता है, क्या काम है मुझे बताइए ना। अरे क्या बात करता है, माल दिया तुम बापड़ा नहीं क्या, ऊपर से पूछता है क्यों? अबे ओ मिस्टर जरा शराफत से बात कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, किस माल की बात कर रहे हो तुम? अरे क्या बात करता है, हम तुमको कोई गाली दिया क्या, शराफत की बात करता है, माल लेके भूल जाता है।
मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर बकवास करी जा रहे हो। अरे बकवास हम नहीं करते, तुम करता है। ज्यादा गर्म होकर बात नहीं करना, शरीफ भाई को बोलना आके हमसे मिले, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लिसन यू इडियट, बदतमीज। कहां गई थी तुम? ये घर आने का वक्त है। मगर चाबी तुम्हें पड़ोस में दे गई थी। चाबी दे गई थी तो क्या तुमने मुझ पे एहसान किया? ये हजारीमल कौन है? हजारीमल? हाँ, उसका फोन आया था। क्या कह रहा था वो? तुमने उसे मिलने का टाइम दिया था क्या? और ये किस माल की बात कर रहा था? कितना माल लिया तुमने उससे? और कौन है ये? माल? अरे हाँ, बनिया बनिया। वो माल लिया था ना, बिल चुकाना था। तो फिर बंद करो ऐसे बदतमीज बनिया से माल लेना। और अगर बिल चुकाना था तो मुझे कहना था। भाभी से तुम 10,000 रुपए मांगने गई थी, क्यों? क्योंकि तुमसे तुम्हारे अंकल पैसे मांग रहे थे, यही ना? अपने अंकल से अपनी इज्जत बचाने के लिए आज भाभी से तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। और तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं या क्या? तुम जानती नहीं कि मैं अपने बाप भाई भाभी सबसे मदद लेने से इनकार कर चुका हूं? फिर क्यों गई थी वहां तुम? अब बोलो, बोलती क्यों नहीं? बड़ी बड़ी ढींगे मारी थी कि अगर पैसा डूब गया तो क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब प्रॉब्लम आ गया तो घबरा गई तुम। तुम्हें सब कर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता। चलो, नाश्ता कहाँ है? ये अंडा है या हलवा? शक्कर पड़ी है इसमें। क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? दूध में नमक पड़ा है। ए, 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 मिस्टर, कौन है आप? ऐसे अंदर चले आ रहे? अंकल, मेरे अंकल। नमस्ते। तो तुम कल गुटली मार गया, तुम क्या समझा? तुम नहीं आएगा तो हम अपना पैसा भूल जाएगा? सुबह सुबह तो आखिर हैरान किया ने बड़ी तुम हमको। ये बात नहीं है सेठ जी, वो कल क्या? अरे बात छोड़ो नहीं, पैसे की बात करो नहीं, पैसा देता ही क्या नहीं? जी मैं उसी के इंतजाम में हूँ। हम कल तक तुमको टाइम दिया था तो तुमने पैसा भरा नहीं, अब तुम अपना काम करो, हम अपना काम करता है। बड़ी सेवा राम जी, मेरा सामान तबाह करके जाचो नहीं। भले।
बड़ी सेठ साहब घबराने का जरूरत नहीं है, नया का नया फ्रिज पड़ेला है, इलेक्ट्रिक का चूल्हा भी है, टेप रिकॉर्डर है, छोटा मोटा ऐसा बहुत सा चीजें, उन सबको बेचेगा नहीं, अपना पैसा जाएगा। लेकिन बिकेगा क्यों? तो तुम क्या समझता है हम अपना पैसा छोड़ देगा? तुम्हारा अच्छा सामान लेके जाएगा, हम धंधा करता है, अपना पैसा वसूल करना भी जानता है। नमस्ते सरिता बहन। मेहता जी आइए आइए, बड़े अच्छे वक्त पर आ गए हैं आप। राम राम से। अरे क्या राम राम करता है, आधा कलाक लेट आता है। अपनी छोकरी को समझाओ पैसा देता है क्या? नहीं तो हम टेलीफोन करके ट्रक बुलाता है, अक्का सामान ले जाता है। साला तुम्हारे भरोसे पे पैसा दिया नहीं, तुमने बोला एक दिन इधर नहीं एक दिन उधर नहीं। पर कभी हो जाता है सेठ, कभी कभी हो जाता है, मामूली बात है। बात है, धंधे में ऐसा नहीं होता है। तुम तो साला मार्केट के आदमी है, तुम जानते नहीं? हमको तो मालूम है, पर ये सीधा लोग मार्केट की बात नहीं जानता, इनको मार्केट का उसूल नहीं मालूम। तो हम अपना पैसा भूल जाए? भूलने को कौन बोला सेठ, भूलने को कौन कहा? पाई पाई मिलेगा, फिक्र नहीं करो, थोड़ा टाइम दो, हम जवाबदारी लेता है। ठीक है, हम फिर शाम का टाइम देता है, लेकिन शाम को हमको पैसा मांगता है, समझ गया? नहीं चलो। बड़ी सेठ साहब सामान ले जाने को ट्रक बुलाओ। अरे क्या उल्लू की तरह बात करता है, जब तक भेजा खाता है, तुम्हारे सामने शाम का टाइम दिया नहीं, अब चलो। नहीं तुम सब घोटाला कर दिया बहन, सेठ का पैसा भरना मांगता था। क्या करूं मेहता जी, पैसे अभी तक नहीं मिले, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपन तो तुमको पहले बोला था कि ये पैसा वाला लोग बहुत जाविर लोग होता है, एकदम खिटखिटी, कैसा भी करके सेठ का पैसा भरना मांगता है। बहन आप ही कुछ कीजिए ना मेहता जी, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहता जी ऐसे नहीं हो सकता कि पैसे कहीं बाहर से मिल जाए और उस कमबख्त को लौटा दे, और जब अपने पैसे मिल जाएंगे तो वो भी चुका देंगे, प्लीज कुछ कीजिए ना मेहता जी। अपन क्या करेगा बहन, अपन तो खुद घबर गया, तुम पैसा नहीं भरेगा तो मार्केट में अपन का कचरा हो जाएगा। ठहरो, सोचता है, जल्दी सोचिए। हाँ शांति देवी से बात करके देखेगा, बहुत बड़ा पोजीशन का औरत है, समाज सेवा करता है, बहुत लोग का मदद किया। लड़की बिल्कुल भरोसे की है जी। ठीक जी। तो तुम्हें रुपए चाहिए? जी मिल जाएंगे, बैठो बैठो। मेहता जी कह रहे थे कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। आजकल मदद कोई किसी की नहीं करता है, लोग सिर्फ अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए दूसरों की जरूरत को पूरी करते हैं। पैसे जिससे भी मिले उसके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम जरूरी है। क्या काम करना होगा? बहुत आसान काम है, यूं ही कुछ बिगड़े हुए बच्चों को संभालना होगा। अच्छा, बच्चों से तो मुझे बहुत प्यार है, कब से काम शुरू करना होगा? आज से, यूं समझ लो कि आज से अगर कोई इस तरह का बिगड़ा हुआ बच्चा, मेरा मतलब है यू नो मेंटली सिक। अच्छा, यू अंडरस्टैंड? या या। ऐसा अगर कोई पहुंच गया तो तुम थोड़ा सा प्यार कर लेना। हाँ बेफिक्र रहिए। लेकिन एक बात है, वो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि जो तुम्हारे यहाँ पहुँचा है वो भेजा हुआ है? आपका नाम लेंगे ना वो? हम नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करते हैं। जो तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा वो कुछ ना कुछ तो पूछेगा, मसलन आपका टेलीफोन ठीक है, या मिस जोजो हैं, क्या कहेगा? आपका टेलीफोन ठीक है, मिस जोजो हैं। करेक्ट, शाबाश। हाँ जी कहिए। आपका टेलीफोन ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ आपका टेलीफोन ठीक है? नहीं ऊंचा सुनते हो क्या, कहा ना ठीक है। ओ, मिस जोजो। जोजो आइए आइए, प्लीज कम इन। थैंक यू थैंक यू। बच्चे कहाँ है? बच्चे हम अभी तक शादी नहीं बना रहा, बच्चा किधर से आएगा? लेकिन शांति जी तो कह रहे थे कि आप शांति देवी भी ग्रेट है, ग्रेट है, उसका भी जवाब नहीं और उसका चॉइस का भी, या फर्स्ट क्लास सिलेक्शन करके रखा है हमारे लिए। प्लम पुडिंग है जी। कौन?
तुम वाली दूसरा कौन? काम की बात कीजिए जल्दी जल्दी। अरे यार काम की तो बात है, नहीं तो क्या कुछ आलतू फालतू बात है क्या? बस तुम्हारा की एक मुसीबत जल्दी करो काय को इतना हरी करता है रे? हम जरा तुमको देखकर घबराइड हो गए जरा नर्वस लगता है। जरा थोड़ा ठंडा पानी तो पिलाओ मिस जोजो। फर्स्ट क्लास बेड। ओहो डालो पीलो क्या बंदोबस्त है। ओ थैंक यू फर्स्ट क्लास यम। वाओ 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 लवली बॉडी और सेक्सी है। तमीज से बात कीजिए। अरे टिल्लम टल्लम छोड़ो नहीं। बिहेव योरसेल्फ, आपको एक लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। अरे काय को तुम इतना भाव खाती है? मेरा सरकार शरीफ कस्टमर अखा मुंबई में तुमको नहीं मिलेगा मालूम? कस्टमर? हाँ। क्या कहा? धंधा करती है कस्टमर क्या वो नहीं मालूम? देखने में स्मार्ट लगती है मगर ऊपर तो साफ खाली हो। क्या बकते हो? देखिए आप किसी गलत जगह पे आ गए हैं, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसा कैसा चले जाएगा? 1000 रुपया दिया है हम तुम्हारे लिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है बुढ़े? चले जा नहीं तो मैं सर फोड़ दूंगी। दादा की करती है और ऊपर से माल फोकट में हजम करना मांगती है। अरे मैं भी फॉरेन रिटर्न हूँ, वहाँ पर वसूल करके जाऊंगा। शेमफुल क्रीचर, साला हमको बकरा समझती है क्या? और ये कमरे के अंदर हमको अकेला देखकर हमको अटैक करती है और ऊपर से गाली देती है। लगता है आज तेरी मौत आई है। अरे क्या करती है? ले मर। ये ले। खाली पीली हमारा स्पेयर पार्ट इधर नहीं मिलेगा। तुम हमको हिट किया, शांति देवी ने चीट किया, हम देख लेगा, दोनों को देख लेगा, हम हाईकोर्ट में जाएगा। हाँ याद रखना, अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मैं कहाँ फंस गई? हेलो, जानती हो तुमने आज हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है? और आप जानती हैं वो क्या करना चाहता था? तुम नहीं जानती हो कितना बड़ा आदमी है, लाखों का फायदा होता है उस आदमी से हमें। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे धंधे करती हैं आप। बेवकूफ लड़की, मेरा दिमाग मत खराब कर। जबान संभाल कर बात कर, क्या समझती तू मुझे? रुपये देकर तूने मुझे खरीद लिया है? ओहो, तो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम भजन गाने के लिए दी थी? लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे रुपयों पर। भेज दो और साथ में मेरे रुपए भी, अभी फौरन, इसी वक्त कैसे भेज दूं? ये तुम अपने पति से पूछ लो, या कहो तो हम पूछ लें। मैं कमाल कर दिया आपने, इसकी क्या जरूरत है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बड़ा शोर मचा रही थी। सपनों की मोती बन गए।
अरे सागर भाई कभी आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। कहो क्या समाचार है, बोलो बोलो। रजनी भाई, वो जो अपने 10,000 रुपए थे उसमें से कुछ माल बचा है या सबके सब गए? क्यों? बात यह है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, 10,000 रुपए की। मैंने सोचा अगर कुछ बचे हैं तो तुमसे ले लूं और बाकी कहीं और से इंतजाम। कहीं और से क्यों, मैं दे देता हूं। सच? लेकिन 8-10 दिन के बाद। रजनी भाई 8-10 दिन तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन माल मिल तो जाएगा ना? हम बोला ना हम करके देता है, हो सकता है कल ही कर दो। ले मोड़ो। रोको रोको रोको। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। इस इलाके को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे जहाँ जाना है वहीं जा रहा हूँ, आगे गाड़ी लेफ्ट को मोड़ो। किससे मिलना आपको? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको इस बिल्डिंग में आना है? मैं यहीं रहता हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद मिल लूंगा, तुम यहीं ठहरो। वापस जाना है क्या? हाँ, मरीन ड्राइव। हाँ तो ठीक है, जाइए आराम से मिलाइए, मैं यहाँ वेट करता हूँ। आपका टेलीफोन ठीक चलता है? मिस जोजो है? हाँ है, आइए। घर में कोई है तो नहीं? आपका नाम? श्री हिम्मत मल धीरज मल जवेरी। काम? प्रोप्राइटर हिम्मत मिल छगन मिल, मैनेजिंग डायरेक्टर मगन मिल, चेयरमैन व्यापारी मंडल, चीफ पैट्रॉन महिला मंडल। मगर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? आज इस बिल्डिंग में बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? पुलिस का चक्कर है। क्यों? गोली चल गई। कैसे? एक स्मगलर माल लेकर भाग रहा था, पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस को डराने के लिए स्मगलर ने गोली चलाई, टिशू। फिर उसे रोकने के लिए पुलिस ने धार 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 गोली चलाई। फिर डर के मारे स्मगलर ने इस बिल्डिंग में गाड़ी घुसा दी, फिर गाड़ी छोड़कर किसी फ्लैट में छुप गया। फिर पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। यहाँ भी आए थे? आ सकती है, लेकिन आप क्यों इतना डर रहे हैं? इज्जतदार आदमी हो, मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। वो तो है। फिर तो मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, मुझे यहाँ से चला जाना। हाँ, जाइए जाइए, कहीं वो लोग यहाँ ना आ जाए। ठीक है ठीक। मेरे पति आ गए। बाप रे, पीछे का कोई दरवाजा है? खिड़की है, कूद जाओ। खिड़की? ओ भगवान, यहाँ से तो नीचे मेरे का चूमर मिलेगा। अब क्या होगा? चूमर। चलो जल्दी। हम
अंदर अंदर जल्दी। मुर्गा भी बनना पड़ा। क्या है? क्या है ये? क्या मजाक है? कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ। क्यों बजा रहे थे? अरे मुझे अंदर आना है। लेकिन क्यों आना है? तुम पागल हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। क्यों खोलो? जाओ काम पे जाओ। मैं काम पे हूँ। कैसा काम? तुम्हें क्या हो गया? एक पैसेंजर मेरी टैक्सी में आया, इसी बिल्डिंग में कहीं गया है। तो तुम क्या समझते हो वो यहाँ आया है? ओ, नहीं बाबा, मैं उसकी वेटिंग में हूँ। उसको अभी आने में वक्त है, इसलिए मैं कप चाय पीने आ गया हूँ। खोलो। चाय? लेकिन चाय कैसे पियोगे? घर में तो शक्कर नहीं है। मैं फीकी पी लूंगा। फीकी? लेकिन बनेगी कैसे? घर में गैस खत्म हो गई। ओहो, एक ग्लास पानी तो मिलेगा। खोलो, मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी करो। पानी? ये बैग किसका? बैग? अरे हाँ, मेहता जी आए थे, शायद छोड़ गए होंगे। लेकिन इस पे तो हिम्मत राय का नाम लिखा है। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कई दिन से देख रही हूँ, तुम्हारी बात का बतंगड़ बना देती हो, जरा सी बात पर चिल्लाने लगती हो। ओके, आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये बैग। सब काम छोड़ के तुम घर ये देखने आए हो कि ये बैग किसका है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया तुमने। सरिता, तुम्हें क्या हो? मुझे चले जाओ यहाँ से। सरिता, सरिता प्लीज जाओ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हेलो सागर भाई, इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। तुम्हारा काम हो गया, फौरन चले जाओ। अभी? हाँ, माल चाहिए तो अभी बनना, जब जाओ। नहीं नहीं, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सरिता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम जाते क्यों नहीं बाबा? मेरी बात तो सुनो। ये क्या बदतमीजी है तुम? अरे चिल्लाती क्यों हो? हमने क्या बदतमीजी किया? कुछ नहीं बाबा, तुम जाओ। पन बर्तन? हमने आज खाना नहीं बनाया। अरे पन झाड़ू कट का भी तो करना है। वो सब मैंने कर लिया है, तुम जाओ बाबा। पन हम खाएगा क्या? मेरा सर। ठहरो ठहरो, ये लो 10 रुपए। बाई का भेद आज घुमेला दिखता है। हेलो हेलो हेलो, शांति जी, मैं सरिता बोल रही हूँ। वो आपका आदमी बेहोश हो गया है? बेहोश हो गया कैसे? तुमने कुछ किया तो नहीं? बेवकूफ लड़की तुम, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो मैं उसे उठा के नीचे फेंक दूंगी। शट अप यू इडियट, और शोर मत मचा। तुम ऐसे करो, तुम वहीं रहो, मैं एम्बुलेंस लेके अभी फौरन आ जाती हूँ। और अगर उससे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जेल भिजवाओगे? उसकी बाप का राजा, मैं भी उसे बाहर निकालती हूँ। हेलो हेलो, वेटिंग फॉर समबडी?
पिकनिक ले आ जाना, समझी? क्या हुआ सागर भाई, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे अरे सुनिए, क्या हुआ इन्हें? सुनिए क्या हुआ इन्हें? मगर तुम कौन हो? देखिए थोड़ी देर पहले मेरी टैक्सी में आए थे, बिल्कुल अच्छे खासे थे, मुझे रुकने के लिए कहा। अच्छा। मैं एक घंटे से इनकी वेटिंग में हूँ। तुम्हें अपना भाड़ा चाहिए ना? नहीं भाड़ा तो भाड़े की कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें हुआ क्या है? मैं किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता, मुझे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। मुझे तो कुछ लफड़ा लगता है। पुलिस स्टेशन फोन करूँ? सागर भाई ऊपर जाकर तलाश करूँ, सेल कौन सी फ्लैट में गया था? अरे तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, ये आदमी दिल का मरीज है, दौरा पड़ा है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। देखिए बहस करने का वक्त नहीं है, आप अपना भाड़ा ले लीजिए। कितने हो गए होंगे? 35-40 रुपए होंगे। बस बस ठीक है, ये 40 रुपए ठीक है ना। मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। एक्सक्यूज मी सर, जल्दी चलना। गंगा माई रक्षा करो, भगवती माई। क्यों रे बोलू? हाँ हाँ काका। तेरे पे तो नौकरी करने को मांगता है कि नहीं मांगता? अरे काहे नहीं काका। अरे काहे नहीं, तो तेरे को कितना टाइम बोला कि गाड़ी इधर किसी को खड़ा रखने देने का नहीं, अभी कभी गाड़ी इधर देखा तो तेरा नौकरी का। अरे हम कहे थे काका चुप रहो, बोलो जिन जनते हूँ नहीं किकर गाड़ी है, बहुत डेंजर आदमी है वो, बहुत डेंजर आदमी है, बहुत भारी स्मगलर है, अरे उसे तो सारा गाँव भर डरा थे काका। अरे तो अपन को क्या करने का, उसको बोलो गाड़ी इधर नहीं रखने का, बस बस। अरे काका अगर तनिको जबान खोलो कि फट से चक्कू खुल जाते, अगर बात कहो कि गर्दन साफ। मैं तुम्हारा आज शाम तक इंतजार करूंगा, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरा पीछा मत करो, मैं कह रही हूँ प्लीज। सो यू आर इन ट्रबल माय डियर। जी तुम मुसीबत में फंस गई सरिता। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सागर का दोस्त, बहुत पुराना। सागर एक खुददार इज्जतदार आदमी है, यार है अपना, उसे जब ये सब पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सब। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं इसे फर्ज समझता हूं अपना। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? 11,000। 11,000 रकम तो काफी बड़ी है, लेकिन खैर दोस्ती से बढ़कर क्या चीज है। इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? गाड़ी चलानी आती है? आती है। तो बस फिर समझ लो तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम बहुत मामूली है। तुम्हें मेरी गाड़ी यहाँ से करीब 100 मील दूर गोवा रोड पे एक जगह है टेकरी, वहां पहुंचानी होगी बस। मगर ये काम तो कोई भी ड्राइवर कर सकता है, सिर्फ इसके लिए आप मुझे इतने रुपए देने को तैयार हैं? गाड़ी तो कोई भी पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हें भेजने का एक खास मकसद है। जब तुम वहां पे जाओगी तो मेरी बीवी तुम्हें देखेगी और देखकर जल भून जाएगी कि मेरी जिंदगी में भी कोई खूबसूरत लड़की आ सकती है, और उसकी ये जलन शायद उसे मेरे करीब ले आए, वरना तो मुझसे ज्यादा उसे मेरी दौलत से प्यार है। आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे मंजूर है। यह है उस जगह का नक्शा जहां तुम्हें जाना है, तुम्हें सिर्फ गाड़ी भोला के अड्डे तक पहुंचानी होगी, उसके बाद भोला तुम्हें खुद सही ठिकाने पर पहुंचा देगा। और यह है उस गाड़ी की चाबी, सामने उस झाड़ी के पीछे MMB 7126 खड़ी है, वो ले जाओ। और सुनो गाड़ी में लगे फोन का ध्यान रखना, जब कभी पिप पिप की आवाज आए समझ लेना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, समझी? ओके जाओ, बेस्ट ऑफ लक। काम हो गया है, वो मैक के चक्कर में फंस गई है। जैक अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या काम करना होगा? मैक की गाड़ी का पीछा करना होगा। लगता है उस गाड़ी में बहुत कीमती माल है। हाँ हीरे हैं 50 लाख के। तो फिर जरूर उस गाड़ी को मुझे पार करना होगा, अगर सरिता ने कुछ गड़बड़ की तो उसे खत्म कर दो, गाड़ी को और सरिता को दोनों को किसी खड्ड में ढकेल दो। लोग समझेंगे एक्सीडेंट हो गया। हीरे कहाँ छिपे? वो तो तुम्हें तलाश करना होगा। 50-50। क्या मतलब? मेरा हिस्सा। जैक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन मैं को कौन संभालेगा? वो मेरा काम है, इस वक्त तुम तैयार हो जाओ। तो मेरी तरफ से ओके।
सागर कुमार 5 लाख 5 लाख? लेकिन मैंने तो आपसे 10,000 रुपए मांगे थे। लोग अपना माल का डबलिंग कर रहे हैं, हमने तुम्हारा माल का 50 लिंक किया है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? सागर भाई, ये तुम्हारी शेयर्स का माल है, तुम कमाया है। ये मेरे शेयर्स का माल? और क्या, हमने अपनी जेब से थोड़ी देगा। अरे शेयर्स का भाव बढ़ गया था, हमने उसको डबलिंग 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 करके 50 लिंक कर दिया। Hello, Mac here. Hello? अरे मेहता काका, ए मेहता काका, अरे तनिक उधर देखा हो, उधर देखा। अरे काका, हम बड़े बड़े स्मगलर लोगन का देखा है ससुर, मुना ऐसा लेडी स्मगलर के कब भाव नहीं देखा भैया, कब भाव नहीं देखा। सरिता बहन, सरिता बहन, तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे? अरे मेहता जी, आप अपना काम बन गया, शांति देवी का माल वापस खिटकिट खलास, बस ये गाड़ी को यहाँ से 100 मील दूर गुआ रोड पे ले जाना है टेकरी के पास और शाम तक वापस। पर बताओ तो सही, बात क्या? अरे मैं अभी आती हूँ, सुनो तो। अरे काका, ये छोकरिया कौनो तोहरे जान पहचान के है का? बहुत भोला छोकरी है एकदम। अरे तब तो गए काम से। क्या? गंगा कसम गए, बिल्कुल काम से गए। कैसा? अरे गाड़ी के बारे पुलिस कहियो चक्कर लगाए। काका हम तो कही थे गाड़ी के अंदर जरूर कौनो लफड़े वाला माल फंसा है। ये गाड़ी पकड़ी गए और छोकरिया गए भीतर, ससुरा कौनो जमान तो न दे सकी। हाँ ओ सागर, आपके लिए मेहता जी का फोन आया है। कौन, अपने मेहता जी? यस, ही सेज इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू। हेलो, कौन? सरिता? हाँ हाँ, फिर हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं सरिता? लेकिन हाँ हाँ, लेकिन ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये कैसे हो सकता है? वो टेकरी जानते ना सर, टेकरी गोवा रोड पे। हाँ हाँ, मुझे जगह मालूम है, गाड़ी नंबर MMB7126। जल्दी में हूँ, वो जाना है मुझे। अगर एक्सीडेंट हो जाता, कोई मर जाता तो? माफ करो, आइंदा ऐसी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे जाने दो। माफ क्या कर दो, लाइसेंस लाओ। लाइसेंस मेरे पास नहीं है हवलदार। लाइसेंस नहीं है? बाहर गांव जाने का परमिट है? देखो मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। लाइसेंस भी नहीं है, परमिट भी नहीं है। चलो चलो, गाड़ी साइड में लगाओ। चलो चलो।
आंटी आप कहाँ जा रही है? तू ना, मैं तो रेस। मुझे गौर रोड तक जाना, आप मुझे छोड़ देंगी? कम ऑन कम ऑन, तू मेरा गाड़ी चला। थैंक यू। मैं गौरा का शादी करती हूँ। अरे अभी इतना झक मारा कि हमारा माइंड से हमारा गोरा खुद ही मार के निकल गया। What a romantic name! He's my banker horse, जिसका father lover boy Bangalore का जादू जीता, और उसका mother Gulbaran continuously 2 साल तक Bombay और Pune का gold star जीता। Hey, what's wrong with you? तुम कितना fast गाड़ी चलाता है? I'm sorry auntie, मेरी बीवी एक गाड़ी में आगे जा रही है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। Hey, तो क्या तेरा बीवी तेरे को रास्ते में छोड़ के भाग गई क्या? नहीं auntie। हाँ, तो तू कुछ झगड़ा करके उतर गया होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो आज कल का यंग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जब हमारा हस्बैंड रुस्तम ऑफिस से आने में कभी आधा घंटे का जो देरी होता था, तो हमको 4 टेलीफोन करता था और 3 वक्त सॉरी बोलता था। अरे कमलों का आज कल का छपरा हो तो बना के इतना घोटाला, इतना घोटाला। हम भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। You mean love? Oh, हम भी अपना हस्बैंड रुस्तम को बहुत प्यार करता था। हमारा भी लव मैरिज हो रहा था। Oh, but then I was young. I mean, very young. 35 years back. Imagine, British का टाइम है, in 1941. गोवा रोड की टर्निंग आ गई है, लेकिन मेरी बीवी की गाड़ी नजर नहीं आ रही। मैं उस टर्निंग पे उतर जाता हूँ, आप आगे चले जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उसके पीछे चलो। चलो चलो गोवा रोड पे, तुम भी चलो। लेकिन आपको रेसिस? अरे रेसिस तो मार गोली, लव का सामने रेस क्या चीज है। मैं चलती हूँ। हेलो 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 सरिता, मेरी आवाज पहचानी? जी हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं 70 मील से आगे पहुँच चुकी हूँ। रोड अच्छा है और इस वक्त गाड़ी की रफ्तार 80 मील है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी फिक्र मत करो, तुम गाड़ी का ख्याल रखो, धीरे चलाओ। देखो गाड़ी वहाँ तक सही सलामत पहुँचनी चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कमाल है, आपको मुझसे ज्यादा गाड़ी की फिक्र है। ठीक है गाड़ी आपकी है, लेकिन जान तो मेरी है। मैं कोई अनाड़ी ड्राइवर नहीं कि गाड़ी कहीं ठोक दूंगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। गाड़ी के मामले में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और देखो तुम्हें पैसे भी तभी मिलेंगे जब गाड़ी सही जगह पर सही सलामत पहुंच जाएगी। आप गाड़ी के बारे में बिल्कुल इत्मीनान रखिए। पुल पार करते ही अगले मोड़ के बाद तुम भोला के अड्डे पर पहुंच जाओगी।
ठाकुरिया बजाओरे तबला सुंदरी रे खाना से आशा करिया बजाओरे तबला सुंदरी रे खाना से सुंदरी रे खा सुंदरी रे खार पाए नुपुर रुनु सुन कोईरा आहस्ता कोईरा बजाओ रे तबला सुंदरी रे खाना से मन के सागर का तो है मोती बच के रहना प्यार का दुश्मन देखो जमाना सारा है बच के रहना प्यार का दुश्मन देखो जमाना सारा है हाय डूब गया मैं डूब गया हाय डूब गया रे अरे क्या हुआ आंटी वो अरे रिवर्स में क्यों जा रहा है हाँ MMB 7126 यही गाड़ी आंटी तो अभी अभी तो क्या करेगा देखता हूँ तो तेरा बीबी तो अंदर नहीं है चलिए जल्दी करिए राम ज्यादा मेरा हीरक पार करने के चक्कर में जितने भी चाहे जाल बिछाए बसता है खुद भी तो मछुआरे खरगोश आगे जितना भी भागे आखिर में जीते कछुआरे अरे जितने भी चाहे जाल बिछाए बसता है खुद भी तो मछुआरे खरगोश आगे जितना भी भागे आखिर में जीते कछुआरे देखिए ना खुद तो मौज कर रहा है और मुझे आपके साथ भेज दिया खैर अपना जूना यार है अरे आपने अपना नाम तो बताया नहीं जी मुझे पीटर कहते हैं लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है ऐसा होता तो कितना अच्छा होता मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं आपको रास्ता तो ठीक से मालूम है ना इसीलिए तो मैं आपके साथ आया हूँ ताकि आपको आराम से ठिकाने पे पहुँचा दूँ ठिकाने तो मैं तुझे लगाऊंगा आंटी आंटी वो पहाड़ी पे गाड़ी जा रही है जरा दूरबीन से देखो ऊपर है दिख रहा हाँ दिख रहा वही गाड़ी है एलईडी रंग की है हाँ हाँ रंग तो तू बराबर बोल रहा है और नंबर नंबर क्या नंबर MMB 7126 आंटी वही है वही अरे सुन सुन गाड़ी में छोकरी के साथ तो कोई आदमी दिखाई देता है आदमी नहीं नहीं आंटी जरा फिर से देखो अरे ये क्या बदतमीजी है बदतमीजी मैं तमीज से करूंगा अगर तुम शराफत से पेश आओगी क्या चाहते हो तुम कहां भागती है चलो मेरी जगह पे आगे बैठो समझी गाड़ी मैं चलाऊंगा कम ऑन गेट मूव फास्ट यू अगर तुम चाहते क्या हो मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए कहा गया है मुझे मारने के लिए यस मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुमने होशियारी की तो सोच लेना अपने बारे में समझी Be a good girl. Come on. What the hell? तू अपने अवतार के साथ आता? अरे हम आपको गाड़ी से बाहर कैसे गिरने देगा आंटी? ये शॉर्टकट है ना नहीं तो वो गाड़ी को नहीं पकड़ सकेगा बाइक का मामला है ना बाइक और मेरा गाड़ी का तो क्या नाश हो जा रहा है कुछ नहीं होगा आंटी आप चुपचाप बैठे रहिए सब पाउडर और मेकअप भी निकल जाता है गाड़ी मत चला उल्टा सुल्टा रास्ता पे मत ले जा देखा डेलिकेट कार है ब्रिटिश का टाइम का है मैंने गाड़ी का सत्यानाश कर दिया मोहन आंटी
खाली गाड़ी गर्म हो गया है, तुम फिक्र मत करो, हम अभी देखता है। नो 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 नो, यू डोंट टच माय कार, तुम मेरा गाड़ी को हाथ मत लगाओ, जल्दी से कोई मैकेनिक का तपास करो, नहीं तो मेरा हस्बैंड रुस्तम का आखिरी निशानी भी नहीं रहेगा। डोंट वरी मैडम, अपन इंग्लिश मैकेनिक है, हमने बड़ा बड़ा ट्रक को ठीक कर दिया, ये तो छोटा सा गाड़ी है, अभी ठीक कर देगा। थैंक यू। साहब, ये कुलता किधर से है? इधर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनो, तुमने एक स्लेटी रंग की फियर यहाँ से जाते देखी? जी बिल्कुल नहीं। ठीक से देखा तुमने? हजूर, अपन का जिंदगी में दो ही तो काम है, एक तो आती जाती गाड़ियां देखना और उसमें बैठी खूबसूरत लड़कियां देखना। सच कहता हूँ साहब, पिछले एक घंटे से गाड़ी तो क्या साइकिल भी नहीं गुजरी। तो कहाँ चली गई? अरे सुनो, वो कच्चा रास्ता कहाँ जाता है? वो कच्चा रास्ता सीधा जंगल को जाता है। अरे याद आया, एक स्लेटी फियट इधर गई थी। सच सच। आंटी मैं भी आता हूँ। अरे जा जा। गाड़ी की चाबी चाहिए ना? मुझे चाबी दो। पहले बताओ लड़की कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानता, मुझे चाबी दो, नहीं तो क्या करेगा? आ, 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 लड़की कहाँ है? बोल, बोल लड़की कहाँ है? बता, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता। लड़की कहाँ है? मैं पूछता लड़की कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कौन है आप? चिड़िया। चिड़िया? हाँ, ये चिड़िया स्विट्जरलैंड से बारिशों से पहले आती है। देखिए, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? वो लड़की मेरी बीवी है, उसकी जान खतरे में है। ये चिड़िया स्विट्जरलैंड से हमेशा अकेली आती है, जब हिंदुस्तान में उसका अपना साथी मिल जाता है तो वो वापस स्विट्जरलैंड चली जाती है।
तुमने अपनी होशियारी का नतीजा? मुझसे लगातार झूठ बोलती रही, एक के बाद एक। मुझसे कहा कि अंकल से शेष के लिए पैसे लिए, और पैसे लिए तुमने एक थर्ड क्लास सूदखोर से। ऐसे घटिया गैर कानूनी काम करने वालों का साथ कैसे दिया तुमने? ये तो अच्छा हुआ कि मेहता जी ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बोलो ना, चुप क्यों हो? अब बोलो, सारी होशियारी धरी की धरी रह गई ना? और ये शांति देवी कौन है? औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतने पैसे किस लिए दिए थे? तुम्हारी मासी लगती है क्या कि तुम्हारी मदद करती? लेकिन तुम्हारी समझ में ये कैसे आता? तुम्हारी समझ तो पैसों के ढेर के नीचे दबी है। पैसा पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए ना तुम्हें? चलो, और किसी चीज की परवाह नहीं तुम्हें? अपनी बदनामी, मेरी इज्जत। तुम्हारे नाम का चेक? हाँ हाँ, ये तुम्हारे कमबख्श का पैसा है। 5 लाख फाड़ दो इसे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पैसे तो जरूर मिलेंगे। तुम मेरी बातें नहीं मानते थे। मिले कि नहीं? नहीं नहीं, मिले कि नहीं? अरे ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? खून, खून? सागर, ये सब तुमने क्यों किया? मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए? नहीं नहीं सागर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ये सब तुमने क्यों किया? अगर क्यों, तुमने कभी सोचा नहीं? शुक तेरे अंदर तू 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 बाहर खेला। जा जा जवानी कब से कब से कब से बोला रही है, बुढ़ी के चक्कर में तू कैकू कैकू परेला। वाह वसल, वाह भाई, क्या शेर मारा है। वाह वाह बनो, गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। वाह 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 वाह।
बंदे सफेद काम करो,